जालसाज लोग एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, जो उन्हें दूसरों के मोबाइल का एक्सेस प्रदान करता है। उसके बाद आपके फोन पर आने वाले सभी ओटीपी उनके पास अपने आप ही चले जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उभरते डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के बारे में बैंकों को चेतावनी दी है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई मार्ग का उपयोग करके ग्राहक के बैंक बैलेंस को शून्य कर सकता है। मॉडस ऑपरेंडी सरल है। धोखाधड़ी करने वालों को एनीडेस्क नामक एक ऐप डाउनलोड करने के लिए शिकार मिल जाता है। पीड़ित के डिवाइस पर उत्पन्न 9 अंकों के कोड के माध्यम से हैकर्स को मोबाइल का रिमोट एक्सेस प्राप्त होता है। आरबीआई ने एक एडवाइजरी में कहा, एक बार जब कोई जालसाज अपने डिवाइस पर इस ऐप कोड को डाल देता है तो वह पीड़ित को कुछ परमिशन देने के लिए कहेगा, जो कि अन्य ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है। यह पीड़ित के डिवाइस तक पहुँच हासिल करने और धोखे से लेन देन को अंजाम देने में सक्षम बनाता है। आरबीआई के अनुसार मोडस ऑपरेंडी का उपयोग किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप या भुगतान से संबंधित ऐप के माध्यम से लेन देन करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें यूपीआई या वॉलेट शामिल है। तो आप भी सावधान रहें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। साथ ही साथ अपने बैंक से जुड़ी सभी जानकारी गोपनीय रखें।